Hello everyone and welcome back to Easy English with Manoj Matthew here. Today in this video, I'm going to share with you how to use past continuous tense in our daily English way of speaking. Let's first understand what is past continuous tense. It is a tense that is used to talk about an action that was going on for a period of time in the past. That means जो काम already start किया है past time में थोड़ा time के लिए चालू रहा, अभी वो बिल्कुल चल नहीं रहा है, थोड़ा time के लिए चालू रहा past time में, उसके बारे में अगर कुछ हमको बताना है किसी को तो हम use करेंगे English में past continuous tense. So it is used to talk about an action that was going on for a particular period of time in the past. अगर हमको ऐसा कुछ बोलना है किसी को कि मैं तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम के लिए, तो उस वक्त में हमको ऐसा सेंटेंस बनाना होगा इंग्लिश में कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम. बिफोर वी जंप इनटू एग्जांपल्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द रूल. हम एग्ज़ाम्पल देखने से पहले एक छोटी सी ग्रामर का रूल समझने के लिए कोशिश करेंगे. जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि जो काम अभी हो रहा है एट द प्रेजेंट मोमेंट जो हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करता है. अगर आपने ये वीडियो देखा नहीं होगा तो मैं लिंक जरूर दे देंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ना तो यू कैन सी ऑन द आई बटन ऑन द टॉप. सबसे पहले समझना होगा कि कोई ना कोई जो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, उनके साथ जो वर्ब यूज़ करना है एक्शन दिखाने के लिए, वो सही तरीके से रखने से हम सही तरीके से सेंटेंस बोल पाएंगे जो टाइम के बारे में बताने के लिए, यानी काम अभी हो रहा है, काम हो रहा था, ये तो होने वाला है, ये सब चीज़ के बारे में हमको इंग्लिश में बात करना होता है. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी हो रहा था, काम कुछ समथिंग हो रहा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो काम करने वाले को हम बोलता है सब्जेक्ट. तो यहाँ मैंने आपको जो सेंटेंस बोला है कि मैं एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, तो आई मतलब मैं तैयारी कर रहा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग तैयारी कर रहा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, मैं तैयारी कर रहा था एग्ज़ाम के लिए. तो आई के साथ वॉज यूज़ करेगा, उसके बाद वर्ब, यहाँ तो प्रिपेयर था उसके साथ आई एन जी यूज़ किया, एंड मैंने क्या तैयारी कर रहा था, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश. तो फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, ठीक है. तो ये जो सेंटेंस को लेकर हम थोड़ा बहुत और थोड़ा एग्जाम्पल लर्न करेंगे. मैं मेरा कपड़ा वॉश कर रहा था, अगर आपको बोलना हो इस तरीके से, आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स, आई वॉज वॉशिंग माई क्लॉथ्स. मैं गार्डन में वॉकिंग कर रहा था, चल रहा था सुबह सुबह. तो अगर ऐसा बोलना है तो मैं काम करने वाला है ना, मैं चल रहा था, आई वॉज वॉकिंग इन द गार्डन इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग, एक चीज़ ध्यान से समझ लेना, अगर हम इंग्लिश में बात करने वक्त कुछ ना कुछ टाइम बताना है, जैसे कि सुबह के टाइम, या तो कल का टाइम हो गया, या तो होने वाला का टाइम हो रहे, या तो अभी का टाइम हो रहे, तो अगर कोई टाइम के बारे में बताना है तो टाइम हमेशा सेंटेंस की लास्ट में यूज़ करना होता है. जैसे कि अभी एक एग्जांपल हमने देखा, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क इन द मॉर्निंग. तो टाइम हो गया मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ इन द मॉर्निंग यूज़ होता है. तो ये जो वर्ड इन द मॉर्निंग टाइम को रेफर करता है, इसे लास्ट में यूज़ करना होता है. दिस इज़ अ स्मॉल टेक्निक, ए काइंड ऑफ स्मॉल स्किल दैट यू मस्ट रिमेंबर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर को लेकर हम थोड़ा और सेंटेंस लर्न करेंगे, जैसे कि आई के साथ वॉश होता है, ही के साथ वॉश होता है, शी के साथ वॉश होता है, एंड यू, यू के साथ वेयर, डब्ल्यू ई आर ई वेयर, एंड वी के साथ वेयर, दे के साथ वेयर. हम लोग इंग्लिश लेक्चर अटेंड कर रहे थे. अगर कैसे ऐसा बोलना है तो इंग्लिश में We were attending English lecture. I hope you understand this simple use of past continuous tense. It is only a name that is used to talk about an action
दैट वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम। अगर हमको ऐसा बोलना है कि यहाँ बारिश हो रहा था, बारिश हो रहा था, थोड़ा टाइम के लिए चालू हुआ, चालू रहा बारिश, अगर ऐसा किसी को बता रहा है कि इट वॉज रेनिंग हियर, एक छोटी सी एक्स्ट्रा वर्ड हम लर्न करेंगे, थोड़ा कुछ बारिश, ज़्यादा हैवी बारिश हो रहे थे, ज़्यादा बारिश हो रहे थे, उसके लिए एक छोटी सी यूज होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मे बी यू हैव हर्ड इट और लर्न इट इन योर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, अगर आपने ये वर्ड, ये यूसेज अगर सीखा होगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। हमको सेंटेंस ऐसे बनाना है, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स हियर, यहाँ बारिश हो रहा था, बहुत तेज, बहुत हैवी बारिश हो रहा था। अगर हमको ऐसे सेंटेंस बोलना है कि मैं मार्केट जा रहा था जब तुम मुझे फ़ोन किया तब, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ काम कर रहा होता है, कोई ना कोई आपको फ़ोन किया होता है या तो कुछ भी इंटरप्शन किया हो, तो ये सेंटेंस हमको ऐसा बनाना है कि व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन यू कॉल्ड मी। अगर आपको ऐसा बोलना है किसी को कि मान लीजिए अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उस वक्त में आपकी कॉल आया, आपकी किसी का फ्रेंड का कॉल आया, आपने रिसीव नहीं किया, फिर बाद में आपने उस सामने उसको फ़ोन किया तो पूछेंगे तुम क्या कर रहा था, वो पूछेंगे तुम क्या कर रहा था या तुम क्या कर रही थी, तो मतलब अभी कुछ नहीं कर रहा लेकिन थोड़ी देर पहले कुछ ना कुछ कर रहे थे आप, है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछना है तुम क्या कर रहे थे, उसके लिए हमको सेंटेंस यूज़ करना है, वो भी पास्ट कंटिन्यूस में रहेगा। क्वेश्चन ये है व्हाट वेर यू डूइंग, तुम क्या कर रहा था। हमको ऐसा बोलना होगा कि आप अगर ये वीडियो देख रहे होते तब आपको कॉल आया किसी का, तो बोलना है आपको उसके लिए आई वॉज वॉचिंग ए वीडियो और आई वॉज लर्निंग इंग्लिश। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सिंपल इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल टेक्निक। जैसे कि मैंने आपको सिर्फ एक ही छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर किया वीडियो में, कुछ ना कुछ काम हो रहा था थोड़ी देर पहले, पास्ट में हो चुका टाइम में, थोड़ा टाइम के लिए काम चालू रहा, उसके लिए सेंटेंस बोलने के लिए टेंस होगा ये ग्रामर के हिसाब से पास्ट कंटिन्यूस, बट उसका स्ट्रक्चर वंस अगेन हम रिपीट करेंगे आई वॉज। थोड़ा बहुत एग्जाम्पल एक ही वर्ब को लेकर हम इधर प्रैक्टिस करते, जैसे कि आप रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग करना, रीड करना, पढ़ना, मैं पढ़ रहा था, वो पढ़ने को वर्ब होता है रीड, रीडिंग, उसको लेकर हम थोड़ा सेंटेंस पूरा का पूरा सब्जेक्ट को लेके ट्राई कर लेते हैं। यू जस्ट रिपीट आफ्टर मी, आई वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग, यू वेर रीडिंग, वी वेर रीडिंग, दे वेर रीडिंग, राजू वॉज रीडिंग, तमन्ना वॉज रीडिंग। ओके, दिस आर सम एग्जाम्पल्स दैट आर इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक स्किल ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट। इफ यू रियली लाइक टूडेज लेसन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लर्निंग इंग्लिश विद मी, हैव ए नाइस टाइम, लेट्स लर्न समथिंग न्यू इन द नेक्स्ट अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।